दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पंकजकार वर्कशॉप पे। भाई आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि ये जो डीजल गाड़ियों का फ्यूल इंजेक्टर होता है उसको हम निकालते कैसे हैं पुलर की हेल्प से। तो अभी हमारा ये दो इंजेक्टर जो है वो आसानी से निकल गया था एंड ये दोनों जो है इसमें जाम हो गया। तो इसको निकालने के लिए हम जो है अभी जो इंजेक्टर का जो पुलर है उसकी हेल्प लेने वाले हैं एंड मैं आपको बताऊँगा इसमें कैसे इसको असेंबल करना होता है और इसको निकालने के लिए इसके इंजेक्टर के ऊपर से कौन कौन से पार्ट जो हैं उसको पहले खोलना होता है। तो ये हमने पूरा इंजेक्टर का जो कूलर है ये हमने मंगा लिया है, ठीक है। तो अभी इसको निकालने से पहले इसके ऊपर के सारे पार्ट जो हैं उनको खोलना होता है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर का है जो सोलेनोइड लगा हुआ है इसको हम खोल के लेंगे एंड उसके बाद जो है मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे पार्ट होते हैं तो उनको भी निकालना होता है। तो ये अभी सोलेनोइड जो है इसको हमने पूरा ढीला कर लिया है एंड अब इसको हम हाथ से खोल के लेते हैं। तो इसको जो है थोड़ा आसानी से खोलना होता है क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग रहती है वो कई बार झटके में उड़ जाती है बाहर की तरफ। तो ये देखो इसका देखो वाशर गिर गया नीचे, ये लो पकड़ो इसको तुम, वो वाशर पहले उठा लो उसमें से। और ये इसके ऊपर साइड में यहाँ पे इसका कंट्रोल वाल्व का जो स्प्रिंग लगा है उसको हम निकालेंगे एंड इसके नीचे साइड में देखेंगे आप तो एक छोटा सा लॉक रहता है, वो लॉक को जो है हमें स्क्रू ड्राइवर वगैरह की हेल्प से उसको पीछे दबा के उसको निकाल लेना है। उसके बाद ही हम नीचे के सारे पार्ट जो हैं उसको निकाल पाएंगे। और इसके नीचे साइड भी एक स्प्रिंग रहेगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग को भी हमने निकाल लिया है। इसके नीचे अभी एक वाशर रहता है एंड वो वाशर को निकालने के बाद फिर हम जो है इसमें पुलर लगा के इसको हम पहले लूज करेंगे। अरे इससे नहीं निकलेगा, मैग्नेट ले लो ना। तो अभी हम जो है इसमें ये पुलर का यूज करने वाले हैं। इससे पहले जो है हम इसके अंदर का जो वाल्व है उसको खोल के लेंगे। और ये जो नीडल है इसकी उसके नीचे साइड में एक छोटा सा बॉल रहता है, वो बॉल को भी हमें ध्यान से उठाना होता है, कई बार वो गिर जाता है अलग। तो अभी जो है इसके अंदर जो डीजल भरा हुआ है उसको हम एक बार कपड़े से अच्छे से साफ़ करके लेंगे एंड फिर जो है इसमें दूसरा पुलर जो है उसको हम बैठाएंगे। तो अभी जो है इसका इंजेक्टर का हमने ऊपर का सारा पार्ट जो है खोल लिया है एंड ये आप देख सकते हो अंदर एकदम क्लीन हो गया है। तो अब जो है हम इसमें पुलर जो है
उसको हम बैठाएंगे। तो ये इसका पुलर जो है, इसको हम इसमें अच्छे से टाइट करके लेंगे पहले। और इसके ऊपर साइड के जितने भी पार्ट हमने खोले थे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें कौन कौन से पार्ट रहते हैं। इधर दिखाओ ज़रा, ये देखो, ये इतने सारे पार्ट रहते हैं इसमें। छोटा सा वो बॉल था, वो कहाँ गया? ये है। तो ये सारे पार्ट जो है हम इसको एक अलग जगह पे करके रखेंगे। जितने भी इंजेक्टर के पार्ट आप खोलें वो सारे अलग अलग ही रखें, जिससे बाद में उसको असेंबल करने में आसानी रहे। तो अभी हम जो है इसको इंजेक्टर में अच्छे से टाइट करके लेंगे पहले। ठीक है, तो ये अभी इसमें एकदम फुल टाइट हो गया है। तो अब जो है ये इसका जो पुलर है इसको भी हम इसके ऊपर उसको भी अच्छे से टाइट करेंगे, एंड उसके बाद जो है हम इंजेक्टर को निकालेंगे। बस हिला हिला, आया आया आया, आया। ठीक है, तो ये इंजेक्टर हमारा जो है अभी ऊपर आ गया है पूरा। तो सेम जैसे हमने ये इंजेक्टर को निकाला है, दूसरा वाला जो इंजेक्टर है उसको भी हम सेम वही प्रोसेस से निकालेंगे। पहले उसका सोलेनोइड जो है उसको खोलेंगे, एंड उसके ऊपर जो है उसका पुलर वगैरह लगाने के बाद जो है उसको भी हम खोल के निकालेंगे। तो दूसरा वाला जो इंजेक्टर है उसको भी मैं फटाफट निकाल के लेता हूँ, एंड मैं जो है अभी आपको लास्ट में दिखा दूँगा कि इंजेक्टर दोनों जो है वो बाहर कैसे निकलेगा। तो अभी हमारा ये दोनों इंजेक्टर जो है ये ऊपर आ गया है, तो अब हम इसको हाथ से भी उठा सकते हैं आसानी से। ठीक है, और ये दूसरा वाला जो है इसके ऊपर ये जो पुल लगा है इसको हम खोल के लेंगे, और अब जो है हम इसको हाथ से उठा लेंगे, ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। ये देखिए, हमारा दोनों इंजेक्टर जो है पुलर की हेल्प से आसानी से बाहर निकल गया। बिना पुलर के अगर हम इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम जो है इसमें वेस्ट हो जाता। फिलहाल जो है हमारा दोनों इंजेक्टर बाहर निकल गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें।